द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज, तो सबसे पहले अगर हमें पता होता है कि कोई भी जो इलिप्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, किसी पॉइंट पी की उसकी फोकस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, उसकी इसेंट्रिसिटी टाइम्स ऑफ उसकी डिस्टेंस फ्रॉम उसके क्या बोलते हैं जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एस के इक्वल होती है, मतलब ई इंटू पी एस के इक्वल होती है पी एफ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, फाइव कॉमन ले लेंगे हम दोनों टर्म्स में से, तो क्या जगह लिखा हुआ है 25 टाइम्स ऑफ, 25 टाइम्स ऑफ व्हाट, लिखा हुआ है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस में क्या जाएगा यहाँ से वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ओके। और वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है थ्री एक्स माइनस फोर टाइम्स ऑफ वाई प्लस सेवन का होल स्क्वायर। अब अगेन हमें पता है अपॉन में फोर भी है हमारे पास में, लेकिन इधर 24 भी है, ठीक है। हमें पता है जब भी हम किसी पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई है उसकी 2,3 से डिस्टेंस, ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं नीचे 25 इस 25 को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर। फिर है कि अगर मैं ध्यान से दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, ये आ जाएगा पी एफ की फॉर्म में, पॉइंट पी की फोकस से डिस्टेंस, इसका स्क्वायर रूट करते क्या जाएगा 1/2 इंटू, ये क्या लिखा हुआ है, उस पॉइंट पी की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस पी एस के इक्वल। तो यहाँ से हमें पता चल गया इसेंट्रिसिटी क्या आ गई, इक्वल टू हमारी 1/2 आ गई, फोकस क्या आ गई हमारे पास में, फोकस आ गई 2,-3 आ गई, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ गई 3x-4y+7=0 आ गई, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें बताना है द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो अब देखते हैं यहाँ से एक चीज, अगर हमारे पास में जैसे कोई भी एलिप्स होता है तो किस फॉर्म में होता है, एक जो जनरल अगर उसकी मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस की इक्वेशन है तो एलिप्स हमेशा ऐसे दिखता है, ओके। अब इसकी यहाँ पे कहीं डायरेक्ट्रिक्स होती है, ओके, और यहाँ पे कहीं फोकस होती है, तो हमें पता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, ए बाई ई होती है ना, इसकी इक्वेशन होती है ए बाई ई, और इसकी इक्वेशन क्या होती है फोकस की, ये होता है ए ई पे, मीन्स ए बाई टू पे, है ना, या फिर ए ई पे अगर मैं देखूँगा तो क्या जगह। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे ये क्या है हमारी, क्या है एक्सिस है मेजर एक्सिस और ये क्या है माइनर एक्सिस, ओके, दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर। तो अब ए बाई ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2a के इक्वल है, और ए ई की वैल्यू क्या है a बाई टू के इक्वल है, तो मीन्स अगर हम देखेंगे तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी जाएगी 2a-a/2 विच इज इक्वल टू वॉट 3a/2। अब फोकस की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 3a/2 के इक्वल है, तो डिस्टेंस आएगी क्या वो देखते हैं हम पहले, तो डिस्टेंस आएगी हमारे पास में मोड ऑफ क्या है इक्वेशन 3x-4y+7, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू है 2 के इक्वल, तो आएगा 3 इंटू 2, फिर आएगा क्या बोलते हैं वाई में क्या आएगा -4 इंटू -3 इज +12, तो आएगा 4 इंटू 3, तो आएगा 12, फिर आएगा प्लस में 7 अपॉन में क्या जाएगा 5, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6+19 विच इज 25/5 इज 5, तो ये पूरी वैल्यू आ गई 5। अभी किसके इक्वल है हमने देखा, ये इक्वल है 3a/2 के, तो 3a/2, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में a=10/3। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है हमें पता है, वो होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ a होती है, तो लेंथ आ जाएगी 20/3 के इक्वल, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20/3, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।